द लल्लन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कोरोना वायरस के कारण देश 21 दिन के लिए लॉकडाउन में है। इस बीच बहुत से मजदूर पैदल ही घर जाने के लिए निकल पड़े। कुछ पहुंच गए तो कुछ रास्ते में है। इन लोगों में तमिलनाडु के नामक्कल में रहने वाला लोगेश बाल सुब्रमण्यम भी शामिल था, लेकिन अब वो कभी भी अपने घर नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि लगातार 500 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद उसने दम तोड़ दिया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक लोगेश 23 साल का था, नागपुर में काम करता था। अपने साथी वर्कर्स के साथ पैदल नामक्कल जा रहा था। 500 किलोमीटर की दूरी तय करके सिकंदराबाद पहुंचा था। एक शेल्टर में रुका था, लेकिन 1 अप्रैल की रात वो बेहोश होकर गिर गया और उसकी मौत हो गई। जिस इलाके में शेल्टर होम था, वहां के एक लोकल लीडर ने बताया कि लोकेश अपनी जगह पर बैठा था कि अचानक पीछे लुढ़क गया। हमने तुरंत एक डॉक्टर को बुलाया, जिसने जांच करके बताया कि उसकी मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल भेज दिया गया है। पहले लोगेश का अंतिम संस्कार हैदराबाद में ही उसका एक दोस्त करने वाला था, लेकिन बाद में जब प्रशासन को इसकी खबर लगी तो उसके शव को उसके घर पहुंचाने के निर्देश दिए गए ताकि आखिरी बार उसके घर वाले उसको देख सकें। लोगेश के साथ पैदल यात्रा करने वाले एक वर्कर ने बताया कि हम 3 दिन से चल रहे थे, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था, रास्ते में मिलने वाले लोग हमें खाना दे रहे थे, कोई लिफ्ट दे देता था, जैसे कोई ट्रक अपना सामान सप्लाई करने के लिए आता या जाता था तो वो लिफ्ट हमें दे देता था, लेकिन पुलिस ट्रक ड्राइवरों को भी पीट रही थी जो हमें लिफ्ट दे रहे थे। एक और बात, नागपुर तेलंगाना का तापमान इस वक्त ज्यादातर 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है, तो जो भी वर्कर पैदल चल रहे हैं उनके पास सामान के कम से कम 2 बैग तो होते ही हैं। इसके पहले एक और मजदूर की मौत हो चुकी है। वो दिल्ली से मध्य प्रदेश के मुरैना जा रहा था, पैदल 200 किलोमीटर चलकर आगरा पहुंचा, जहां उसकी मौत हो गई। 39 साल के इस शख्स का नाम रणवीर सिंह था, दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय का काम करता था। वो मुरैना के अंबा थाने के बदफरा गांव का रहने वाला था। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सर्वत और आप देख रहे हैं द लल्लनटॉप। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल द लल्लनटॉप को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए द लल्लन टॉप की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त द लल्लनटॉप।